कोविड के बाद ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार को देखकर डीएम ने प्रधानों और सचिवों की बैठक लेकर गांव में साफ सफाई के साथ छूटे लोगों को जागरूक कर कोविड टीकाकरण कराने के निर्देश दिए। दरअसल कन्नौज में डीएम ने देश में बढ़ रहे कोविड और ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या को देखकर डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने ग्राम प्रधान और सचिवों के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश दिए कि गांव में जिन लोगों ने अभी तक कोविड टीकाकरण नहीं कराया उन लोगों को चिन्हित कर उन्हें जागरूक कर 100% टीकाकरण कराया जाए। इसी के साथ ही गाँव में साफ सफाई रखी जाए जिससे कोविड संक्रमण से आम लोगों को बचाया जा सके। जैसा कि आप जान रहे हैं कि वर्तमान में कोविड की एक तीसरी लहर आ रही है, उसको दृष्टिगत हमने आज की यह बैठक अपने ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, लेखपाल सबकी बुलाई थी कि अपने गांव में ये इंश्योर करा लें 100% टीकाकरण हो जाए। जबकि ज़िले में फर्स्ट डोज 95% हो चुका है, लेकिन फिर भी आवश्यकता है कि अगर गाँव में कुछ लोग छूटे हैं तो उनका सर्वे करा के उनका टीका लग जाए। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत पंचायत अध्यक्ष जो हमारे प्रधान जी लोग हैं इनकी अध्यक्षता में गांव में एक निगरानी समितियां बनी हैं, तो निगरानी समितियों को भी हमें एक्टिवेट करना है कि गांव में अब लोगों में जागरूकता है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका लोग पालन करें, जो लोग बाहर से आएँ उनको प्रॉपर उनकी गाँव में चेकिंग हो जाए और किसी को अगर कोई सिम्टम्स मिले तो उनको समय से दवाएँ मिल जाएँ। तो ये जागरूकता लोगों में अब लाने की ज़रूरत है, उसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से उसमें हमारे ग्राम प्रधान जो हैं उनकी बड़ी भूमिका है। पिछले कोविड काल में भी इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है।